हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था और अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी 9, 17, 25 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। यानी आपको यहाँ पर एन फाइंड करना है। आपको एस एन गिवन है यहाँ पर आपके पास, यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं और एस एन का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए और आराम से आप यहाँ एन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास ए पी क्या है। तो ए पी हमारे पास है ना 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी। तो डी निकालने के लिए जैसा कि आप जानते हैं ए टू माइनस ए वन, 17 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ हमने डी निकाल लिया। अब आपको पता है, आपको सम गिवन है, देखिए 636। तो क्या लिख लेंगे हम कि हमें एस एन पता है 636। अब एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। आपने पढ़ा है एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आप जानते हैं इक्वल टू 636। एन कितना हमारे पास, तो एन हमें मिसिंग है ना, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो एन हमारे पास नहीं है, एन बाई टू टू, देखिए यहाँ पर ए कितना हमारे पास 9, तो यहाँ हम लिख लेंगे 9 प्लस एन हमारे पास है नहीं, तो एन को हम लोग एन लिख लेंगे ना। डी कितना हमारे पास है 8, तो यहाँ हमने लिख लिया 8 इक्वल टू 636। यहाँ कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर एन बाई टू, यह हो जाएगा 9 2 18 प्लस ये आपका हो जाएगा ना 8n-8 इक्वल टू 636। यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए एन बाई टू यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 18-8 हो गया ना 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कितना कॉमन जाएगा बताइए, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, n बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो जाएगा ना 5। देखिए यहाँ क्या बचेगा, 5 प्लस 4n, तो यहाँ हमने लिख लिया 5 प्लस 4n, 2 कॉमन ले लिया हमने इक्वल टू 636। यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए 2 कैंसिल कर लेते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हम लोग मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे और n फाइंड आउट करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 5n प्लस ये हो जाएगा ना 4n स्क्वायर, इसको आप अंदर रख सकते हैं ना, दैट इज 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको, जैसा कि आप जानते हैं n स्क्वायर को हम लोग सबसे आगे रख लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n-636 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने बना लिया है तो अब हमको मिड टर्म ब्रेक यहाँ सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या जानते हैं, 4 को आप क्या करेंगे 636 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको 5 में ब्रेक करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 636 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 जै 24 का 4, हाथ में कैरी बचा 2, 4 3 जै 12, 13 14 का 4, हाथ में कैरी बचा 1, 6 4 जै 24 और 1 25। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 1 जै 2, 2 2 जै 4, 1 ट्रांसफर हो गया, 2 7 जै 14, 2 2 जै 4। अगेन इसको आप 2 से करिए, देखिए 2 1 जै 2, 2 6 जै 12, ठीक है 2 6 जै 12, 2 3 जै 6, 2 6 जै 12। फिर इसको करेंगे ना 2 से, 2 3 जै 6, 2 1 जै 2, 2 8 जै 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जै 2, 2 5 जै 10, 2 9 जै 18। अब इसको हम लोग 3 से कर लेते हैं, देखिए 3 5 जै 15, 3 3 जै 9। यहाँ पर आप देखिए 2 2 जै 4, 4 2 जै 8, 8 2 जै 16, 16 3 जै 48, 48 और 53, 53 से अगर हम लोग 48 को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 5n मिल जाएगा ना। ठीक है, आपने समझा कि अगर हम लोग 53 में से माइनस करते हैं 48 को, देखिए कितना आया 5, क्या लाना था हमें 5। तो इस तरह से हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ हमने लिख लिया 4n स्क्वायर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 53n-48n, बट आप देखिए आगे में हमारे पास 4 है, तो आप कोशिश करिए कि 48 को आगे लिख लें। तो 48 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -48n और +53n, तो यहाँ आपको क्या होगा, कॉमन लेने में इजी होगा। अदरवाइज आप 53 को आगे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -636 इक्वल टू 0, ये आपने समझा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें हमने कॉमन लिया 4n, आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, n-4 1 जै 4, 4 2 जै 8, ये आपको क्लियर है। यहाँ हम क्या कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे 53 को, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन n माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 4n प्लस 53 इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग बोल सकते हैं ना, इधर दिस वन इक्वल टू ज़ीरो और दिस वन इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे इधर n माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो और 4n प्लस 53 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप n निकाल लीजिए, देखिए n इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ 12, और यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 53 बाई 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो हमने क्या मिल गया हमें, n इक्वल टू 12 हमें मिला। हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो देयर आर 12 टर्म्स, देयरफॉर वी कैन से कि देयर आर 12 टर्म्स, ये आपने समझा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, सिर्फ सबसे पहले डी निकाल लेंगे आप, SN आपको पता था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और इस तरह से हमने मिड टर्म ब्रेक करते हुए N फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म आपको पता है यहाँ पर 5 है, दैट इज A5 है। यहाँ आपको गिवन है कि लास्ट टर्म आपको 45 गिवन है, यानी AN आपको 45 गिवन है। सम आपको दिया हुआ है 400, दैट इज वी कैन से SN इक्वल टू 400 है। अब आपको बोला गया यहाँ पर फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज N फाइंड करना है आपको, एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन समझ लिया आपने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास लास्ट टर्म कितना है 45 और SN कितना है 400। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास SN कितना है 400। SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, बट यहाँ पर आपको n अगर पता हो तो हम लोग शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। देखिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए, n बाई 2 a प्लस n। जब भी याद रखिएगा आपको n गिवन हो तो हम लोग n वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, शॉर्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया हमारे पास 400, n कितना हमारे पास, तो n हमको मिसिंग है ना, तो n हम लोग नहीं लिख सकते, n बाई 2 a कितना हमारे पास 5, दैट इज फर्स्ट टर्म कितना है 5, ए एन लास्ट टर्म भी देखिए हमें गिवन है ना 45, ठीक है। यहाँ हमने पुट कर लिया इक्वल टू 400, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हमने फॉर्मूला पुट किया है। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए एन बाई 2 इसको अगर हम लोग ऐड कर ले कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करिए अगेन, देखिए अगर 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया कितना हो गया 25, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 25। इसको कैंसिल कर लीजिए अगेन 5 से, 5 5 जा 5, 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n कितना हो गया 16। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, देखिए n हमने निकाल लिया ना, ये फर्स्ट वन आपका आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंस वी नो दैट कि हमें पता था ना an कितना हमारे पास 45, an कितना हमारे पास 45, तो an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ से हम लोग आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए a कितना हमारे पास, a हमें गिवन है ना 5, तो यहाँ हमने लिख लिया 5, ठीक है। n कितना हमारे पास, तो n अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 16 माइनस 1 और d तो हमें कैलकुलेट करना है। इस 5 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, यहाँ आप लोग सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया 15d, यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 5, तो यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं, माइनस करिए 40 डिवाइडेड बाई 15, 5 से कैंसिल करिए 5 3 जा 5 8 जा, तो इस तरह से हमने d निकाल लिया ना 8 बाई 3, तो ये भी हमारा हो गया आंसर। हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने दोनों निकाल लिया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारे पास। क्वेश्चन आपके पास है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए फर्स्ट टर्म दैट इज ए, यानी ए हमारे पास गिवन है ना, फर्स्ट टर्म आपको क्या बोला गया है 17, ये हमने लिख लिया। अगेन आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यानी 350, तो आप लिख सकते हैं एन, ये कितना हमारे पास 350 है ना, ये आपने समझा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, ये आपने समझ लिया। कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है, देखिए कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, ये गिवन है हमें कितना 9, ये हमने लिख लिया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन है ना, ये आपने समझा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम आपको यानी एस एन भी आप फाइंड आउट करना है। तो ये आपने क्वेश्चन समझ लिया हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है और एस एन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ना। जैसा कि आप जानते हैं एन हमें कितना गिवन है बताइए, सिंस एन इक्वल टू 350, एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ए प्लस
एन माइनस वन डी इक्वल टू 350। यहाँ से हम लोग ए कितना हमारे पास 17, तो यहाँ हमने पुट कर लिया 17। एन हमारे पास नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 9, तो ये हमने लिख लिया 9। अब आप क्या करेंगे, 17 को उस तरफ भेज दीजिए, एन माइनस वन इंटू 9, 350 माइनस 17। इसको सॉल्व करिए, देखिए माइनस करिए इसको कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 एंड 3। इस 9 को हम लोग बाय में भेज देते हैं ना, और यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, देखिए 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। तो अगेन कैंसिल करिए, 3 जा 9, 10 11 2 चला गया, 3 7 जा 21। तो यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं ना, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा बताइए, देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n कितना हो गया 38। तो इस तरह से हमने n निकाल लिया। क्या निकालना था इसमें हमें, देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पता चल गया आपको हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 38 टर्म्स। अब आपको और क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम, यानी आपको Sn भी निकालना है। तो Sn इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, n बाई 2। यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, वाई, बिकॉज हमें लास्ट टर्म हमारे पास है, और लास्ट टर्म जब भी आपको पता हो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए a प्लस एन इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग एस एन तो आपको पता चल चुका है, एन कितना हमारे पास 38, दैट इज एस 38 इक्वल टू 38 बाई 2। ए कितना हमारे पास, ए है 17, तो यहाँ हमने 17 लिख लिया। एन कितना हमारे पास, ए एन है 350, तो यहाँ हमने 350 लिख लिया, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19, और इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7, 5 प्लस 1 6 एंड 3 67। यहाँ तक क्लियर आपको। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आपका आ जाएगा 6973। इसको आप चेक कर लीजिएगा 6973। तो इस तरह से हमने सम भी निकाल लिया ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर काफ़ी सिंपल था, बस आपको इतना करना था कि आपको एन लास्ट टाइम आपको गिवन था, इसके हेल्प से हमने पहले एन निकाल लिया और फिर हमें पूछा गया था व्हाट इज देयर सम, तो एस एन का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी। इसमें आपको डी दिया हुआ है, दैट इज इन विच डी इक्वल टू 7, 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 149। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए आपके पास डी कितना है 7, तो यहाँ हमने लिख लिया डी 7 हमारे पास, और क्या हमारे पास 22 टर्म्स इज 149, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए 22 इक्वल टू 149। ये आपने समझा। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस 22 माइनस 1 डी, क्योंकि आप जानते हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सो ए 22 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 डी इक्वल टू 149। अब हमारे पास देखिए ए तो नहीं है आपके पास, बट डी आपके पास है 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 पुट कर लेंगे ना, तो ए प्लस ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 7 1 जो 7, 7 2 जो 14 इक्वल टू 149, और यहाँ से हम लोग ए आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो 149 माइनस 147 दैट इज ए इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने देखा कि ए इक्वल टू 2 निकल चुका हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ना सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, एस एन इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है एन बाई 2 ए प्लस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एन यानी कि ए 22 पता है, सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना एन के प्लेस में 22, तो यहाँ भी एन के प्लेस में क्या लिख लेंगे हम 22 बाई 2, ठीक है, क्योंकि आपको पूछा गया है एस 22 और हमें आपको पता है कि ए 22 हमारे पास है, सो हमने यहाँ पर 22। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए ए कितना हमारे पास, तो ए हमारे पास है 2, ये हमने अभी कैलकुलेट किया ना, ए हमारे पास है 2। एन कितना हमारे पास, एन है 149, तो यहाँ हमने लिख लिया 149। इसको जस्ट आप सॉल्व करिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 11 ना, तो 11 इंटू इसको आप ऐड कर लीजिए 9 10 11 1 ये हो गया 51। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 11 1 जाए 11 का 1 हाथ में कैरी बचा 1, 11 5 जाए 55, 55 प्लस 1 56 का 6 हाथ में कैरी बचा 5, 11 1 जाए 11, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास 22 टर्म्स था, यहाँ से हमने पहले ए निकाल लिया और उसके बाद एस एन निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एन ए पी इन विच आपको सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स गिवेन है 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ए 2 दैट इज सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है 14, ये हमने लिख लिया।
फिर आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना हमारे पास, तो ए थ्री ये हमारे पास है 18। तो आपको ए वन तो नहीं पता बट ए टू और ए थ्री आपको पता है, तो ए टू और ए थ्री के हेल्प से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का कॉमन डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू, दैट इज 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो डी हमें पता चल चुका है कि डी हमारा कितना है, 4 है। अब आपको निकालना क्या है, देखिए आपको सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, दैट इज आपको निकालना है S51 आपको कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान दीजिए, एस एन का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन बाई टू, टू ए, तो एन तो हमारे पास है 51, टू ए, ए नहीं है हमारे पास क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें मिसिंग है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सेकेंड टर्म कितना पता है, तो आप ए वन निकालने के लिए ए टू में से डी को माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ए वन निकालने के लिए ए टू में से हम डी माइनस कर लेंगे। तो ए टू कितना हमारे पास, देखिए ए टू हमारे पास है 14, तो हमने 14 में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, ए वन 10। या फिर एक और काम कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आपको करना, मैं बस बता दे रहा हूँ कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ए टू कितना था, हमारे पास ए टू कितना था, हमारे पास 14, तो ये मैंने लिख लिया। अब ए टू का फॉर्मूला याद करिए, ए प्लस टू माइनस वन डी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस टू माइनस वन डी इक्वल टू 14। और इस तरह से भी आप यहाँ ए निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस तो पता है 4। तो देखिए यहाँ हमने लिख लिया ए, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू डी, और डी कितना हमारे पास है 4, तो यहाँ हमने लिख लिया 1 × 4 इक्वल टू 14। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, देखिए 14 माइनस 4 दैट इज 10। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर ए वन निकालने के लिए हमने ए टू में से डी को माइनस कर दिया, तो कितना मिल गया हमें, ए निकल गया 10। अब आप क्या करेंगे, एस 51 का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए एस 51 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 51 बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दैट इज 51 माइनस वन डी। और बस इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा बताइए, 51 बाई टू, यहाँ हमने लिखा 2, ए कितना हमारे पास, ए दैट इज ए वन, वो कितना हमारे पास 10, यहाँ कितना हो जाएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50, और डी कितना था हमारे पास, डी था हमारे पास 4, तो हमने यहाँ लिख लिया 4। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 51 बाई टू, टू टेन जो होगी यहाँ पर 20, यहाँ आप इंटू कर लीजिए कितना हो जाएगा, 200 ना, तो यहाँ हमने 200 कर लिया। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 51 बाई टू, इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 220। इसको कैलकुलेट करिए यानी कि कैंसिल कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 0 पहले ड्रॉप कर दिया हमने, 11 × 1 = 11 का 1, हाथ में कैरी बचा 1, 11 × 5 = 55 और 156, तो 5 6 1 0। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया ए थ्री में से ए टू को माइनस करके। हमें निकालना था एस 51, तो एस 51 निकालने से पहले आपको ए1 पता होना चाहिए, तो ए1 हमने निकाल लिया। ए1 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एस 51 निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि आपको एस 7 दिया हुआ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी एस 17 हमें कितना पता है, 289। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ये आपसे कहा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर लिया ए, और कॉमन डिफरेंस को हमने लेट कर लिया डी। अब आपसे क्या बोला गया है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो यानी कि एस 7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट इज एस 7, एस 7 हमें कितना गिवन है, 49। और यहाँ से हम एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, देखिए एस 7 फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 7/2 टू ए प्लस 7 − 1 डी, है ना, ये आपने पढ़ा है, कई बार हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि एस 7 इक्वल टू 7/2 क्यों होगा, क्योंकि एस एन इक्वल टू n/2 टू ए प्लस n − 1 डी। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 2a इसको माइनस कर लीजिए 6d इक्वल टू 49, ये 2 कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में, और 7 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, 7 से आप कैंसिल कर लीजिए, 7 जा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 3d इक्वल टू 7 × 2 = 14, या फिर आप 7 × 2 रहने दीजिए, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा इजीली, तो यहाँ से आपको मिल गया a प्लस 3d इक्वल टू 7, और ये बना लिया इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, एस 7 आपको गिवन था 49, एस 7 का फॉर्मूला हमने पुट किया 7/2 टू ए प्लस 7 − 1 डी इक्वल टू 49, और इस तरह से हमने पहला इक्वेशन क्रिएट कर लिया। फिर आपसे क्या कहा गया है, देखिए एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम आपको कितना गिवन है, 289।
9, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए S17 ये हमें गिवन है 289, तो यहाँ हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, 17/2 यहाँ क्या हो जाएगा 17/2 2a+17-1d = 289। अब हम क्या करेंगे यहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए यह कितना हो जाएगा 2a, इस 2 को हम लोग राइट हैंड साइड और 17 को बाई में भेज देंगे ना, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2a+ ये हो जाएगा ना आपके पास 16d = 289 इंटू ये 2 कहाँ जाएगा न्यूमिनेटर में और 17 कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। अब आपको पता होगा कि 17 के टेबल में 17 जा 289 के, यानी 17 का स्क्वायर कितना है 289। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a+8d = 17 इंटू 2, 2 कैंसिल, क्या बचा a+8d = 17 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 बन गया है, अब याद करिए आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कहीं ना कहीं कि इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से बाय एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं काफ़ी इजीली। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सब्ट्रैक्टिंग आप लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 क्या है a+3d = 7, यहाँ क्या लिखेंगे हम a+8d = 17 है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हम चेंज कर लेंगे, a और a आपका कैंसिल हो गया, 3d -8d कितना हो जाएगा -5d और ये कितना हो जाएगा आपके पास -10, माइनस माइनस कैंसिल, d कितना हो जाएगा हमारे पास 10/5 दैट इज 2, ये आपने समझा d क्या निकला 10/5 दैट इज 2, तो हमने d निकाल लिया। अब आपको d मिल चुका है, d का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर ले तो a भी पता चल जाएगा आपको, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 यहाँ आप लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए d कितना हमारे पास 2, यहाँ पुट कर लीजिए कितना हो जाएगा a+ देखिए 3 इंटू डी का वैल्यू है 2 ना, तो 3 इंटू 2 कर लेंगे, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ हमने लिख लिया 7, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं ना, 7-6 3 2 6 तो a कितना मिला हमें 1, तो यहाँ आपने देखा a हमारे पास कितना हो गया 1, d कितना हमारे पास 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का सम निकालना है, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं SN=n/2 2a+n-1d ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब n के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, n के प्लेस में n ही लिखेंगे ना, क्योंकि हमें n तो नहीं पता, ठीक है, n के प्लेस में हम n लिख लेंगे। देखिए अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2a, a कितना था हमारे पास 1, तो यहाँ हमने लिख लिया 1, n हमें नहीं पता है और d के प्लेस में हम क्या लिख लेंगे 2। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए SN=n/2 यहाँ कितना हो जाएगा 2 इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 2n-2 होगा ना, 2n-2 और यहाँ 2 कैंसिल, क्या बचा SN=n/2 (2n) यहाँ भी आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज SN=n² और ये हमारा हो गया आंसर, दैट इज SN=n² और यही हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n² ये आपका हो गया आंसर। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। फर्स्ट टर्म को हमने a लेट किया, कॉमन डिफरेंस को d लेट किया, आपको S7 गिवन था 49, इसके हेल्प से हमने इक्वेशन 1 क्रिएट किया। अगेन आपको गिवन था कि दैट ऑफ 17 टर्म्स का सम आपको गिवन था 289, तो यहाँ से हमने सेकेंड इक्वेशन क्रिएट किया। जैसे ही आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, आप इसको किसी भी मेथड से बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट सबसे इजी आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने पहले d निकाल लिया, d को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं। जैसे a और d आपके पास पता चल चुका है, हमें क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो ऐसे इनका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नए सम्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।